तो हे गाइस, वेलकम बैक एन न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, सितंबर के मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिले हैं जो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ मिलते हैं, बट जो अपकमिंग स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के मंथ में मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज अपने बजट स्मार्टफोन और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अक्टूबर के मंथ में लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो में आपको टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अक्टूबर के मंथ में मिलेंगे। तो आप ही वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल को दबा लीजिए ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें। तो गाइस, जो सबसे पहले पोजीशन पर जो मैंने रखा है स्मार्टफोन वो सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन है। तो गाइस, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और इस वीडियो में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोज अलग से कवर कर ली है कई ज्यादा स्मार्टफोन्स की, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी और इसमें आपको कौन कौन से हाईलाइट फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जो सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन है, इसमें आपको 3 कैमरास मिलते हैं, पीछे वाली साइड जो 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के हैं, और फ्रंट वाली साइड आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आपको इंडिया में एक्जिनोस का 990 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो 5G वाला प्रोसेसर होगा, और इसमें आपको 6.5 इंचेस की कैमलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। और इसमें आपको जो बैटरी होगी वो 4500 एमएएच की मिलेगी जो 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिलेगी, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी बाकी कंट्रीज में अवेलेबल हो चुका है। इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको अक्टूबर के सेकंड वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर इसको हम बात करें सेकंड स्मार्टफोन की, तो सेकंड स्मार्टफोन भी आपको सैमसंग की तरफ से मिलेगा जो सैमसंग का गैलेक्सी F41 होगा। तो अगर सैमसंग अपनी एफ सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाला है इंडिया में, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 8 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको एक्जिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 6.4 इंचेस की कैमलेट डिस्प्ले मिलेगी, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा पीछे वाली साइड, और इसमें आपको पीछे वाली साइड 3 कैमरास मिलेंगे जहां पर जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस होगी वो आपको अंडर 15,000 रुपीज देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको इन्फिनिक्स की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, इन्फिनिक्स अपना इन्फिनिक्स 08 नाम का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है अक्टूबर के मंथ में, और इस स्मार्टफोन में आपको एक पंच होल वाली डिस्प्ले मिलेगी, और इसकी जो डिस्प्ले का साइज होगा वो 6.85 इंचेस का होगा, और इसमें आपको 90 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे। जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होगा वो आपको फुल एचडी प्लस देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर आपको आईपीएस एलसीडी पैनल देखने के लिए मिल जाता है, बट इसमें आपको जो टच सैम्पलिंग रेट होगा वो 180 हर्ट्ज पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जो डिस्प्ले का रिस्पांस टाइम होगा वो काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको जो प्रोसेसर होगा वो मीडियाटेक का G90T वाला मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के दो फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो 8 मेगापिक्सल का होगा वो वाइड एंगल का काम करेगा। 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर रियर कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए मिलेगा। 4500 एमएएच की बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस होगी वो आपको अंडर 15,000 से लेकर 16,000 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट लीक्स की माने तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में मिलेगा। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, तो देखते हैं कि इन्फिनिक्स इसे कितनी प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च करता है। तो इसको हम बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको ओप्पो की एप सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो ओप्पो का F21 एंड F21 प्रो देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अक्टूबर के मंथ में मिलेंगे, और लीक्स ऐसे आ रही है कि ये दिवाली के पहले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, बट अभी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो लीक होकर नहीं आई है। बट इतना जरूर है कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर्स देखने के लिए मिलेंगे, और जो ओप्पो की F17 सीरीज थी वो काफी ज्यादा आपको लाइट वेट देखने के लिए मिलती थी, और ओप्पो का कहना है कि जो उनकी F21 सीरीज होगी ये काफी ज्यादा आपको लाइट वेट मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो F17 से। तो देखते हैं कि कितनी लाइट वेट आपको ये सीरीज देखने के लिए मिलती है। और इस स्मार्टफोन सीरीज की जो प्राइस आपको स्टार्ट होकर देखने के लिए मिल सकती है वो 18,000 से लेकर 26,000 रुपए देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ ये सीरीज लॉन्च होती है इंडिया में। तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको रेडमी का Note 10 एंड Note 10 प्रो देखने के लिए मिल सकता है। तो 30 सितंबर को Xiaomi की Mi 10T सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको Mi 10T, Mi 10T प्रो एंड Mi 10T लाइट देखने के लिए मिलेगा। तो जो Mi 10T एंड Mi 10T प्रो है, इन दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च होने के चांसेस काफी ज्यादा है इंडिया में, और इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अक्टूबर के सेकंड वीक में देखने के लिए मिल जाएंगे, पर जो रेडमी का नोट 10 एंड नोट 10 प्रो है ये भी आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में मिल सकते हैं। और रेडमी का नोट 10 एंड नोट 10 प्रो, इन दोनों में से कोई एक
स्मार्टफोन ऐसा होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर मिलेगा। तो गाइस जो Xiaomi की Mi 10T सीरीज है इसमें आपको Mi 10T Lite नाम का स्मार्टफोन भी मिलता है और बताया जा रहा है कि वही स्मार्टफोन आपको रीब्रांड होकर देखने के लिए मिलेगा इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज के अंदर, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर मिलेगा और यह जो प्रोसेसर है वो 5G इनबिल्ट सपोर्ट के साथ आता है और इस स्मार्टफोन में आपको 4820mAh की बैटरी मिलेगी। तो गाइस देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं और ये जो स्मार्टफोन है वो अक्टूबर में लॉन्च होने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो देखते हैं कि ये अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होते हैं या नहीं होते। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको पोको के ब्रांड की तरफ से मिलेगा। तो गाइस पोको फिर से रीब्रांड करने वाला है रेडमी के 9C को। तो गाइस रेडमी के 9C को रीब्रांड कर वो इंडिया में पोको C3 के नाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको 6.53 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी जो एक वाटरप्रूफ नॉच वाली डिस्प्ले होगी और इसमें आपको MediaTek का G35 वाला प्रोसेसर मिलेगा और इसमें आपको 13MP+2MP+2MP के 3 कैमरास मिलेंगे। 5MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 10W की स्टैंडर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 8 से लेकर 9000 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। और जो पोको का C3 है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको गूगल पिक्सल 4a देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। इस स्मार्टफोन में आपको 5.81 इंच की एक OLED पैनल वाली डिस्प्ले मिलेगी और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको 3140mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और यह जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक कैमरा के साथ आएगा, जिसमें आपको 12.2MP का रियर कैमरा मिलेगा, 8MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस होगी वो इंडिया में 27,000 से लेकर 28,000 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको वीवो की V20 सीरीज देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस वीवो की V20 सीरीज के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीवो की V20 सीरीज के अंदर आपको 3 स्मार्टफोन मिलेंगे, एक वीवो का V20, V20 SE एंड V20 Pro। तो गाइस ये तीनों ही स्मार्टफोन आपको मलेशिया में देखने के लिए मिल चुके हैं और ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको जो प्रोसेसर है वो ठीक ठाक से देखने के लिए मिल जाते हैं और ये जो सीरीज है वो खासकर कैमरा सेंट्रिक सीरीज बनाई गई है। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए वीवो की V20 सीरीज के रिलेटेड तो आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सीरीज की जो प्राइस स्टार्ट होने वाली है वो 15,000 से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको वीवो का V20 SE देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको OnePlus का 8T देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी सामने आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच के कैमरा डिस्प्ले मिलेगी जो 120Hz डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 48MP का रियर कैमरा होगा, 16MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, 5MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ शॉट्स क्लिक करने के लिए मिलेगा और इसमें आपको 32MP का रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 4500mAh की बैटरी के साथ आएगा, जिसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 44,000 से लेकर 50,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको iPhone की 12 सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस ये जो सीरीज है वो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। अभी इसकी जो लॉन्च डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, बट लीक्स की माने तो ये जो सीरीज है वो आपको अक्टूबर के मंथ में मिलेगी। तो गाइस इस बार जो iPhone की 12 सीरीज होगी इसमें आपको 4 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, एक iPhone का 12 मिनी एंड 12 एंड 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स। तो आपको 4 फोन्स मिल जाएंगे iPhone की 12 सीरीज के अंदर। तो गाइस जो iPhone का 12 मिनी होगा इसमें आपको 5.41 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और जो iPhone का 12 होगा उसमें आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और 12 प्रो में भी आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और जो 12 प्रो मैक्स होगा इसमें आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। सभी में आपको जो डिस्प्ले का पैनल होगा वो OLED पैनल देखने के लिए मिलेगा और इस सीरीज में आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो एप्पल का A14 बायोनिक चिप देखने के लिए मिल जाएगी, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो आपको पूरी iPhone 12 सीरीज में A14 बायोनिक चिप देखने के लिए मिल जाएगी और इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको 2 कैमरास, 3 कैमरास या 4 कैमरास देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये जो सीरीज है वो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी और इस स्मार्टफोन सीरीज की जो प्राइस होगी वो आपको 50,000 से ऊपर ही देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ ये सीरीज स्टार्ट होती है। तो अगर बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन्स आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से मिलने वाले हैं। तो गाइस माइक्रोमैक्स अपने 3 या 4 स्मार्टफोन्स जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन्स होंगे वो आपको अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिलेंगे और इन स्मार्टफोन्स में आपको MediaTek के प्रोसेसर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो MediaTek का G70, G90 एंड G85 वाले प्रोसेसर्स मिल सकते हैं। तो अगर बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Realme का 7i देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में जल्दी मिलने वाला है। अभी ये जो स्मार्टफोन है इसका जो नाम इंडिया में क्या होगा वो अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट लीक्स आ रही है कि इसका जो नाम होगा वो Realme 7 Pro SE हो सकता है या Realme का 7i हो सकता है। तो गाइस अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो
मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। और इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और इसकी जो प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी वो 12 से लेकर 13000 के बीच में स्टार्टिंग वेरिएंट की मिल सकती है। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Asus की Zenfone 7 सीरीज देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस ये जो सीरीज है वो ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है, बट इंडिया में ये जो सीरीज है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है। तो देखते हैं कि इंडिया में ये किस प्राइस के साथ लॉन्च होती है, बट लीक्स आ रही है कि ये जो सीरीज होगी वो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में मिल जाएगी। और इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको फ्लिप कैमरा देखने के लिए मिलता है, 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 64 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है जिसमें आपको सोनी का IMX686 का सेंसर मिल जाता है और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 एंड स्नैपड्रैगन का 865 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है। Zenfone 7 में आपको 865 मिलता है और जो Zenfone 7 प्रो है उसमें आपको 865 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और इसकी जो स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस होगी वो आपको 35000 से देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस ये स्मार्टफोन्स थे जो आपको अक्टूबर के मंथ में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अक्टूबर के मंथ में आपको काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स के लॉन्चेस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं कि किस किस प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। वैसे जो मैंने आपको प्राइस बताई है वो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई है, तो देखते हैं कि इस प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं या नहीं होते। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।